नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और हमारे CGPSC मेंस प्रोग्राम पर भी। इस वीडियो पर जिन क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने 2 मार्च को डिस्कशन कम्युनिटी में लाए गए थे। ये क्वेश्चन संबंधित है भौतिक विभाग टॉपिक से, यह टॉपिक संबंधित है भारत का भूगोल विषय से और यह विषय हमारे CGPSC मेंस सिलेबस के पेपर 5 का दूसरा भाग बनता है। तो चलिए क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं और साथ ही साथ हमारे 3 पिलर्स ऑफ आंसर राइटिंग को भी वहाँ पर ध्यान में रखेंगे। 3 पिलर्स ऑफ आंसर राइटिंग क्या होते हैं? तो सबसे पहला तो कंटेंट, कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वही आपको लिखना है, टू द पॉइंट रहना है, कंटेंट सही रखना है। लैंग्वेज पर जब आप बात कर रहे हैं तो आपके उत्तर की भाषा शैली एक सिविल सर्वेंट के स्तर के बराबर की होनी चाहिए, टेक्निकल शब्दों का उपयोग होना चाहिए और साथ ही साथ वाक्यों का जो फॉर्मेशन करेंगे वो भी एक अच्छे स्तर का होना चाहिए। तीसरा पिलर प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, ये दिखाएगा कि आप कितने क्रिएटिव तरीके से अपने उत्तर को जांचकर्ता के दिमाग में छाप सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पर हम यहाँ पर आते हैं और पहला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है ये और ये इजी दिया गया था क्योंकि इस पर मुझे आपको कुछ संदेश देना था। क्वेश्चन ये है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान के बनने के पीछे का कारण क्या है। 30 शब्दों का यहाँ पर ये प्रश्न था, तो जाहिर सी बात है कि जब 30 शब्दों का प्रश्न होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन की भूमिका नहीं होती, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका बन जाती है वो कंटेंट की हो जाती है, कि आपका कंटेंट टू द पॉइंट और दूसरों की तुलना पर ज़्यादा बेहतर दिखना चाहिए। अब बात ये आती है कि इतने ईजी आंसर को आप दूसरों से अलग कैसे बनाएंगे। जब यहाँ पर हम ये आंसर देखते हैं, डिस्कशन कमिटी पर भी ऐसे उदाहरण दिखे, जब छात्रों के आंसर्स वहाँ पर देखे गए तो ये देखने को मिला कि लगभग सबके पास एक ही जानकारी है और उसी जानकारी को सबने लिखा है और ये जानकारी सही भी है। जानकारी के आधार पर जो उत्तर वहाँ पर दिखते हैं वो ये है कि हिमालय की नदियों के द्वारा जो निक्षेपण लाए गए, जब उनका अवसादीकरण हुआ तो एक समतल भूमि बनती है जिसे हम उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। अब आप स्वयं सोचिए कि अगर सभी कोई समान रूप से ऐसा ही उत्तर लिखेंगे तो आपको उनकी तुलना पर एक्स्ट्रा अंक क्यों मिलने वाले। डिस्कशन कम्युनिटी पर आपसे जब कहा जाता है कि आप क्वेश्चन लिखकर वहां पर सबमिट करिए, उसके पीछे यही एक तर्क होता है कि जब वहां पर आप और आपके जैसे आपके साथी जब वहां पर उत्तर लिखेंगे तो आप अपने उत्तर को देखकर, अपने साथियों को उत्तर को देखकर ये विश्लेषण करेंगे कि कैसे सब एक प्रकार की जानकारी रख रहे हैं, या फिर आपके उत्तर दूसरों की तुलना पर बेहतर क्यों दिख रहा है, या आपका उत्तर दूसरों की तुलना पर कैसे कमी दिखा रहा है। इन सारे चीज़ों के विश्लेषण के लिए ही डिस्कशन कम्युनिटी पर आपकी भागीदारी की हम अपेक्षा रखते हैं और बेशक आप काफ़ी अच्छे से वहाँ पर अपनी भागीदारी दे रहे हैं, लेकिन इसमें और भागीदारी की ज़रूरत दिखती है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पर जो मैं यहाँ पर आपको उद्देश्य तक लेकर जाना चाहता हूँ वो ये है कि जब बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन हमें दिखते हैं तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कुछ हम वहाँ पर एड ऑन पॉइंट्स डालें, लेकिन हमारा टू द पॉइंट कंटेंट वाली जो आत्मा है वो वहाँ पर धूमिल नहीं होनी चाहिए। एड ऑन पॉइंट्स डालने के चक्कर पर आप ऐसा ना कर दें कि आप ट्रैक से अलग भागते हुए दिख जाए, लेकिन फिर भी हमें एड ऑन पॉइंट्स को डालने होंगे इजी क्वेश्चन के आंसर पर, तब जाकर हम दूसरों से अलग दिखेंगे, दूसरों से बेहतर दिखेंगे और दूसरों से बेहतर अंक भी प्राप्त कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिखें दूसरों की तुलना पर, तो आप एक तरीका ये अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी किसी भी प्रकार की जब उत्पत्ति हुई है या कोई भी भौगोलिक घटना हुई है उसके पीछे कई थ्योरीज दिए जाते हैं। थ्योरीज जिन ज्योग्राफर्स के द्वारा दिए जाते हैं, अगर उनके नाम के आधार पर ही अगर इस उत्तर को शुरू किया जाए तो दूसरों की तुलना पर बहुत ज़्यादा ये प्रभावी दिखेगा। देखिए, किसी भी प्रकार की जब यहाँ पर थ्योरी दी जाती है तो उन थ्योरीज को किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं दिया जाता, कई लोग अलग अलग प्रकार की एक प्रकार की घटना को यहाँ पर समझाने के लिए अपनी थ्योरी देते हैं। तो आप किसी एक व्यक्ति को पकड़कर अगर आप ये उत्तर लिख दें तो ये एक तरीका हो सकता है दूसरों से अलग दिखने का। तो चलिए अगर इसमें हम देखें कि कैसे ये उत्तर बेहतर हो सकता है, तो चलिए एक तरीके पर हम बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये सबसे परफेक्ट तरीका नहीं हो सकता क्योंकि आंसर राइटिंग का कोई भी परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इस उत्तर पर आप दूसरों की तुलना पर अपने आप को वहाँ पर जज बिल्कुल कर सकते हैं। कई लोगों ने इस उत्तर का जब आंसर लिखा तो इस चीज़ को धूमिल कर दिया, यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति और दो प्लेटों के टकराव की कहानी भी यहाँ पर लिख दी गई है, लेकिन यहाँ पर गंगा के या फिर उत्तरी भारत के मैदान के बारे में ही पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो आप एडवर्ड सुएस के द्वारा जो थ्योरी दी गई है उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आंसर पर, जैसे ही आपने बता दिया कि एडवर्ड सुएस ने क्या बताया है,
हिमालय की उत्पत्ति के बाद, हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात, क्योंकि बात यहां पर गंगा के मैदान या फिर उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात हो रही है, तो वो कब बना है, तो हिमालय की उत्पत्ति के बाद बना है। तो आप सीधे वहीं पर आ जाइए, हिमालय की उत्पत्ति के बाद, हिमालय और जो हमारा ये दक्कन का पठार है या फिर आप विंध्यन भी कह सकते हैं, हिमालय और विंध्यन पर्वत के बीच में एक एलुविएशन बनता है, एक अग्रगर्त बनता है, अग्रगर्त बनता है, सामान्य भाषा में एक प्रकार का गड्ढा यहाँ पर बना हुआ है। इस गड्ढे पर अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हिमालय की नदी प्लस प्रायद्वीपी भारत की नदी, कई छात्र सिर्फ हिमालय की नदियों के बारे में कहकर निकल जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या बताना है कि हिमालय की नदी और प्रायद्वीपी भारत दोनों ही नदियों के द्वारा लाए गए जो निक्षेपण थे, उन निक्षेपण के अवसादीकरण के कारण एक समतल भूमि बनती है और उसे ही हम कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। टू द पॉइंट कंटेंट, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर इन व्यक्ति का नाम, ये एक एड ऑन पॉइंट हो गया, और जो सामान्य रूप से लोग छोड़ दे रहे थे प्रायद्वीपी भारत की नदियों की भूमिका, वो भी आपने स्पष्ट कर दिया, और इस उत्तर पर आप बेशक दो नंबर तो पा ही जाएंगे। अगर आप कुछ यहाँ पर छोड़ जाते हैं दूसरों के जैसे ही आपका उत्तर सामान्य बनता है, तो आपको वहाँ पर फिर डेढ़ नंबर मिलेंगे और ये आधे मार्क्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस उत्तर को रखें कि आप बताएं कि एडवर्ड स्वेस के द्वारा एक थ्योरी दी गई, हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात हिमालय और विंध्यन के मध्य एक अग्रगर्त का निर्माण होता है, जिसमें हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपी भारत की नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपण का जमाव होता है, एक समतल भूमि बनती है जिसे उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह उत्तर समाप्त होता है। अगला प्रश्न है उत्तर भारत के विशाल मैदान के पश्चिम से पूर्व के विस्तार के ऊपर। इस प्रश्न को देने के पीछे का उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न के माध्यम से मैं ये चाहता था कि आपके दिमाग में मानचित्रों का किस प्रकार से उपयोग हो ये बैठ जाए, किस प्रकार से मानचित्र आपके उत्तर को और प्रभावी बनाते हैं ये आपको समझ में आ जाए, और मानचित्र बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए ये भी आपको पता हो। जब भी हम मानचित्र बनाते हैं तो ध्यान रखें, मानचित्र एकदम शॉर्ट आंसर पर ज़्यादा प्रभावी नहीं लगते, जब शब्दों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है तब वहाँ पर मानचित्र काफ़ी अच्छे बनते हैं। मानचित्र बनाते समय मानचित्र सुंदर दिखना चाहिए, प्रैक्टिस करके आप मानचित्र वहाँ पर बनाएंगे। आप पहले ही आप घर पर बैठकर मानचित्रों को प्रैक्टिस कर लें ताकि जब वहाँ पर जाए तो आपका बेस्ट वहाँ पर मैपिंग आप कर सकें। ये बनाने के साथ साथ आप ये कोशिश करें कि आप जितनी ज़रूरत है उतना ही मैपिंग कर रहे हैं, अर्थात जितने कंटेंट आपके पास हैं उनको मैप में आपको शो करना है, ये आप सुनिश्चित जरूर कर लें। अगर आप मैप बनाते हैं और उसमें अगर आप पॉइंट इंडिकेट नहीं करते तो उससे आपको क्या क्या नुकसान होगा? नुकसान नंबर एक कि आपके पास में शब्द सीमा थी, दिए गए लाइन थे, वो लाइन वेस्ट हो गए क्योंकि आपने सिर्फ मैप बनाया है, उसमें कुछ आपने इंडिकेट नहीं किया है। और अगर आपने वहाँ इंडिकेट नहीं किया है तो उन जगहों पर आप कुछ कंटेंट लिख सकते थे, वो आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आपने वहाँ पर मैप बनाकर जगह ख़राब कर दिया है। तो मैप जब आप बनाएं तो उतना ही बनाएं जितनी ज़रूरत हो, उतने ही पॉइंट, जितनी ज़रूरत वाली पॉइंट है वहाँ पर आप इंडिकेट करें। ज़रूरत से ज़्यादा विशाल मैप बनाने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है, मैप लेकिन बनाना ज़रूर है अगर शब्द थोड़े ज़्यादा दिखते हैं तो। साथ ही आप ये ध्यान रखें कि मैप आपका सुंदर भी दिखे, प्रभावी भी दिखे, और इन सारे चीज़ों के आधार पर आप अपने मैपिंग की प्रैक्टिस कर लें। चलिए अब इस क्वेश्चन के आंसर्स एक्सप्लेनेशन पर जब हम आते हैं, तो ये क्वेश्चन 100 शब्दों पर आपके सामने रखा गया था। आप एक मैप बना लें जैसा मैंने बनाया है, इसे और खूबसूरत मैप आप बना सकते हैं, ये बहुत ही मध्यम रेंज का मैप आप यहाँ पर कह सकते हैं, बहुत बेकार नहीं, बहुत खूबसूरत नहीं, आप इसे काफ़ी बेहतर मैप वहाँ पर बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। जब आप वहाँ पर मैप बना दें, अब चूंकि आपको सिर्फ उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में पूछा गया है, मतलब आपको नीचे नहीं जाना है, आपको पूरे इंडिया की मैप नहीं बनानी है। अगर आप नीचे तक जाते हैं तो आप वहाँ पर इंडिकेट कुछ नहीं करना है, लेकिन आपने जगह वहाँ पर बर्बाद कर दिया। तो मैप आप उतना ही बताएं जितना वहाँ पर पूछा गया है, तो आप इतना बताएं जितना विशाल मैदान को आप वहाँ पर रख सकें, पॉइंट नंबर एक। अब वहाँ पर बात ये आती है कि जब हम ये क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तब आप इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, उत्तर भारत का विशाल का मैदान कैसे बना है वो आपको पता है,
ये बना है नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपण के द्वारा। अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मुख्य कारक जो नदियाँ थी वो हिमालय की नदियाँ थी। अब इन नदियों पर भी आधारित जो मैदान यहाँ पर बने उनको तीन भागों पर बांट दिया जाता है। एक सिंधु नदी और उसके अपवाह तंत्र के द्वारा जो मैदान बनाए गए हैं, जिसके दो भाग हैं, एक राजस्थान का मैदान और एक हमारा पंजाब का मैदान। जब गंगा नदी और उसके अपवाह तंत्र के द्वारा या उनकी सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान बनाया गया है उसको आप तीन भाग पर बांटते हैं, गंगा के मैदान को, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा। और फिर उसके बाद एक आपका ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा मैदान बनेगा, वो आप यहाँ पर करेंगे। जब आप ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर दिए, आप इसका फ्रेमिंग कैसे करेंगे? साइड में आपने मैप बना दिया, मान लेते हैं कि ये जो स्क्रीन है ये स्क्रीन एक पेपर है और इसी स्क्रीन के आधार पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चेक करने वाला इंसान अगर राइट हैंडर है या फिर जब उसकी नज़र पड़ेगी तो पेपर के राइट साइड में पड़ता है। आप लोगों के हिसाब से पेपर का राइट साइड यहाँ पर पड़ेगा, यह है राइट साइड। यहाँ पर आपने बना दिया एक छोटा सा मैप और उसके बाद जहाँ मैं खड़ा हूँ आपके पेपर, आप उसको इमेजिन करिए और यहाँ पर आपका कंटेंट शुरू होगा। ऊपर में आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर लाइनें खींची हुई हैं। शुरू के दो लाइन पर आपने बता दिया कि उत्तर भारत का विशाल मैदान मुख्य रूप से तीन नदी और अपवाह तंत्र के द्वारा बनाया जाता है, सिंधु नदी और सहायक नदियों द्वारा बनाया गया। आप यहाँ पर लिखिए पॉइंट नंबर एक, राजस्थान मैदान, पंजाब का मैदान। और उसके बाद अब आप शुरू करिए, आप फिर उसके बाद आगे पॉइंट एड ऑन करिए, आप लिखिए राजस्थान का मैदान और उसके बाद राजस्थान के मैदान के बारे में आप जो भी जानते हैं वो वहाँ पर लिख दीजिए। राजस्थान के मैदान के बारे में जब आप लिख रहे हैं तो आप लिखे कि राजस्थान मैदानी क्षेत्र पर आपको क्या मिलेगा, गंगा सागर क्षेत्र जैसा उर्वरक भूमि मिलेगा, राजस्थान बघार मिलेगा, थार डेजर्ट मिलेगा और हमारा मरुस्थल भी हमको यहीं पर देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपने राजस्थान के मैदान को वहाँ पर बता दिया और अगर ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पर लिख दीजिए कि यहाँ की प्रमुख नदी लूनी होती है। एक लाइन पर राजस्थान का मैदान आपका समाप्त होता है। जब पढ़ने वाला व्यक्ति जैसे ही वहाँ तक पहुँचा उस लाइन के एंड पर, उसने मैप को आपके देखा और मैप में आपने बता दिया कि यह है राजस्थान का मैदान। यहाँ पर आपने गंगा सागर क्षेत्र दिखा दिया, आपने थार भूमि दिखा दी, लूनी बता दिया, राजस्थान बघार भी आपने बता दिया। इस प्रकार से आपका राजस्थान का मैदान समाप्त हो गया। फिर उसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पर, आप करेंगे पंजाब का मैदान। पंजाब के मैदान पर जब आप पहुंचते हैं तो वहां पर आप क्या बताएंगे कि यहां पर आपको दुआब देखने को मिलेंगे, जैसे कि बिस्त दुआब, चाप दुआब, यहां पर दुआब दिखेंगे। साथ ही नदियों के अपरदन के द्वारा गहरे गड्ढे दिखते हैं जिसे चोस कहा जाता है, CHO चोस कहा जाता है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि दो लाइन पर हमने कंटेंट तो यहाँ पर ख़त्म कर दिया, क्या इस क्वेश्चन के आंसर पर हमको नदियों के बारे में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है? जैसे कई आंसर देखे मैंने तो जहाँ पर नदियों के नाम ज़्यादा लिखे हुए थे कि जब वहाँ पर बताया जा रहा है कि राजस्थान का मैदान तो किन नदियों के द्वारा, वहाँ पर बहुत सारे नदियों के नाम लिखे थे, ये नदी, उसके बाद ये नदी, उसकी सहायक नदी, इन नदियों के द्वारा मैदान बनाया गया था। उतना ज़्यादा हमको नहीं, हमें विस्तार बताना है, तो हमको ये बताना है कि जो मैदानी क्षेत्र दिख रहे हैं उनके कौन कौन से जगह कहाँ कहाँ पर होते हैं, उस विस्तार पर हमें फोकस रहना है। हमको नदियों की जानकारी वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं देनी है, कुछ दीजिए कि कौन सा क्षेत्र किस नदी से किस नदी तक फैला हुआ है, इतना दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। चलिए उसके बाद जब हम आते हैं यहाँ पर गंगा के मैदान पर, तो सबसे पहले हमको दिखता है ऊपरी गंगा का मैदान। यहाँ पर क्या बताना है आपको कि कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार होता हुआ दिखता है। आप बता सकते हैं कि यमुना नदी से लेकर जो घाघर नदी है, घाघरा नदी, वहाँ तक हमें ऊपरी गंगा का मैदान देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ पर आप बता दीजिए कि यहाँ पर नदियों द्वारा विसर्प का निर्माण होता हुआ दिखता है। विसर्प अर्थात मेंडरिंग, जब नदियाँ अपना मार्ग कुछ यहाँ सर्पनुमा बनाती है उसे हम विसर्प कहते हैं। यहाँ पर विसर्प देखने को मिलता है और साथ ही यहाँ पर ढाल के बारे में भी आप बता दीजिए कि अपेक्षाकृत यहाँ पर ढाल आपको उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं यहाँ पर मध्य गंगा के मैदान पर। ढाल अब और कम हो चुका है। आप यहाँ पर बता दीजिए, पहले तो नदियों के विस्तार के बारे में बता दीजिए कि घाघरा नदी के पूर्वी क्षेत्र में इसका फैलाव दिखता है। यहाँ पर हमें कोसी नदी देखने को मिलेगी। अब कोसी नदी के बारे में जैसे ही मैंने कह दिया तो कोसी नदी पर आधारित एक और प्रश्न है हमारे डिस्कशन कम्युनिटी पर। कोसी नदी के बारे में ये कहा गया, पूछा गया है कि कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कह दिया जाता है, तो इसे भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, बहुत कम शब्दों पर है। देखिए, जब कोसी नदी भारत में प्रवेश करती है नेपाल में उद्गम होने के पश्चात,
तब इसमें लगभग 7 नदियों का जल समाहित होता है, अर्थात ये नदी के पास जल मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। पॉइंट नंबर एक, जल मात्रा ज़्यादा होती है। अधिक जल मात्रा होने के साथ हिमालय से प्रभावित होते हुए अपने साथ मोटे मोटे कंकड़ पत्थर लेकर बहती है। अपने दूसरे पॉइंट में क्या बता दिया, उसके निक्षेपण के बारे में। और ये जानकारी आपको पता है कि जब हिमालय से कोई नदी आएगी तो क्यों उसके पास मोटे कंकड़ पत्थर है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हिमालय नवीनतम होता है, चट्टानों का आसानी से इरोजन हो सकता है, और साथ ही साथ जो इसकी ढाल है वो दक्षिण की ओर ज़्यादा तीव्र है, अर्थात आसानी से वो टूटकर बहने के लिए उपयुक्त दिखते हैं। तो पहले आपने बता दिया जल मात्रा ज़्यादा है, और उसके बाद बता दिया आप लोगों ने कि उसके पास में मोटे मोटे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं। इसे लेकर भारत अर्थात बिहार में यह प्रवेश करती है। समतल भूमि आ जाने से अपने द्वारा लाए गए निक्षेपण का वह जमाव कर देती है और आगे बढ़ जाती है। पुनः जब नदी इसी मार्ग पर आती है तो पहले से जमाव को एक अवरोधक की तरह देखती है और अपना मार्ग बदलकर बह जाती है। बदलते मार्ग के कारण इसका बाढ़ प्रबंधन करना जटिल होता है और सामान्य रूप से बाढ़ का एक कारक बन जाती है, जिस कारण से इसे वहाँ पर बिहार या वहाँ पर अर्थात बिहार का शोक कहा जाता है। तो आपने यहाँ पर जब बताया कोसी के बारे में तो आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड बता दिया है। आपने बता दिया है कि उसके पास जल मात्रा ज़्यादा है, आपके पास बता दिया है कि उसके पास निक्षेपण ज़्यादा है, और आपने ये भी बता दिया है कि कोसी नदी अपना नदी मार्ग जो होगा रिवर कोर्स उसको बदलते रहती है। कारण आपने बता दिया क्योंकि ऑलरेडी जो पहले के द्वारा लाया गया जो जमा है उसको अवरोधक के तौर देख के वहाँ से अपना मार्ग हटा देती है। फिर बता दिया बाढ़ प्रबंधन नहीं कर पाते, इसलिए वो बिहार के शोक के रूप में हम उसे जानते हैं। तो इस प्रकार से आपने कोसी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है ये आपने समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन पर लौट कर आते हैं, निम्न गंगा के मैदान के बारे में। अब निम्न गंगा के मैदान के बारे में जब आप बताएंगे तो आप बता देंगे कि यहाँ पर हमें विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा दिखेगा, सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पर सुंदरी वृक्ष, मैंग्रोव वनस्पति, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप जिस तरीके का फ्रेमिंग कर रहे थे उस फ्रेमिंग पर, जैसे मैंने बताया कि पहले आपको सिंधु नदी के द्वारा जो मैदान उसका बता दिया, फिर गंगा नदी के द्वारा जो मैदान बनाए गए, तो ऊपरी गंगा के बारे में दो लाइन और एक लाइन भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मध्य गंगा के बारे में कुछ जानकारी और निम्न गंगा के बारे में कुछ जानकारी। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में बताएंगे। आप बताएंगे कि जब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का मैदान आएगा तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा यह मैदान बनाया जाएगा। पूर्व में हमें उत्तर पूर्वी पहाड़ियों की सीमा दिखेगी, आपको यहाँ बता दीजिए पटकई बम इनकी सीमा दिखेगी। दक्षिण में गारो खासी जयंतिया मिलेगा और इनके मध्य में जो मैदान बनेगा ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा वो ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाएगा। तो इन सारे चीज़ों को आप मैप में रिप्रेजेंट करें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। और साथ ही साथ आप उन्हीं चीज़ों को मैप में अगर रिप्रेजेंट करते हैं जिसे आप लिखे हैं, उसके साथ और बेहतर हो जाएगा अगर कुछ और चीज़ें भी आप मैप में इंडिकेट कर जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा मैप रिप्रेजेंटेशन जब आप करें अनावश्यक ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा मैप ना बनाएं, ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी वहाँ पर ना डालें। आपके समय की बचत होगी, आपके पेजेस की बचत होगी, लाइनों की बचत होगी और आपको मार्क्स ज़्यादा यहाँ पर मिलेंगे, अर्थात कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आधारित है भारत की अक्षांशी और देशांतरी स्थिति के आधार पर। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत की जो भी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजिशन हमें वर्ल्ड पर दिखती है, विश्व पर दिखता है, उस स्थिति के कारण भारत में ऐसा कौन सा विशेष अंतर पड़ जाता है जो कि ना होता अगर भारत की स्थिति विश्व के किसी और जगह पर होती। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति के बारे में बात हुई है। आप भारत का एक मैप रिप्रेजेंटेशन कर दें, छोटा सा करिएगा, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप भारत के यहाँ पर जब आप बताएं लॉन्गिट्यूडनल या फिर देशांतरी स्थिति को, तो आप बताएं कि पश्चिम में गौर मोता गुजरात और किबीतू आपका अरुणाचल प्रदेश, ये इसकी पूर्व से पश्चिम के विस्तार है जो गोलार्ध के पूर्वी गोलार्ध पर दिखेगी, विश्व के पूर्वी गोलार्ध पर दिखेगी ईस्टर्न साइड में। 68°7' ईस्ट टू 97°25' ईस्ट, ये आप इसका एक्सटेंशन बता दीजिए। फिर जब आप लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन पर आप पहुँचेंगे तो आप बताइए यहाँ पर कि केप कैमोरिन ऑफ कन्याकुमारी और ये आप बता दीजिए इंदिरा कोल। तो इस प्रकार से आप बता दीजिए। आप एक स्टेटमेंट ये जोड़ सकते हैं कि भारत की स्थिति को जब हम देखेंगे तो वह चतुष्कोण आधार पर दिखता है, अर्थात स्क्वायर शेप पर दिखेगा।
कैसे, अगर आप दोनों ही अंतर देखें लगभग 30 डिग्री का अंतर दिखेगा, आप पश्चिम से पूर्व की स्थिति पर भी 30 डिग्री का अंतर दिख रहा है और जब आप उत्तर से दक्षिण का देखेंगे तो भी 30 डिग्री के आधार पर दिखेगा। अब अगला जो आपको रिप्रेजेंटेशन करना है वो करना है सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा का, जो भारत को लगभग दो हिस्सों पर बांटती है, दो बराबर हिस्सों पर लगभग बांटती है। 23 डिग्री एंड हाफ मिनट आपका ये हो गया नॉर्थ, इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन कर दिए। अब सबसे पहले जब आप इसका इम्पैक्ट बताते हैं तो इम्पैक्ट पर आप चले जाइए क्लाइमेट पर, क्योंकि अक्षांशीय स्थिति जो होगी वह सीधे तौर पर सूर्य तापन से जाकर जुड़ जाती है और सूर्य तापन से ही कहानी शुरू होती है जलवायु की। आप जब क्लाइमेटिक कंडीशन बताएंगे तब आप बताएंगे कि पृथ्वी भारत को कर्क रेखा दो भागों में बांटता है। उत्तरायण के दौरान कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये आपने बता दिया। और आप इसके साथ ही मतलब सबसे पहला जो पॉइंट आपने बताया कि सूर्य जो है लगभग भारत के आधे हिस्से तक डायरेक्टली परपेंडिकुलर हो जाता है 21 जून को, 21st of June। इस आधार पर भारत का दक्षिण हिस्सा हमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर दिखेगा और उत्तरी हिस्सा हमें उपोष्ण क्षेत्र पर देखने को मिलेगा और इस कारण से भारत पर हमें जलवायु की विविधता देखने को मिलती है। हालांकि उतनी विविधता नहीं दिखती क्योंकि हिमालय को हमने देखा था कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हिमालय किस प्रकार से जब यहाँ से कोल्ड साइबेरियन विंड आती है, जब शीत लहरें आती हैं तो हिमालय उनको रोक देता है और भारत का उत्तरी हिस्सा भले उपोष्ण क्षेत्र पर देखने को मिलता है लेकिन संपूर्ण रूप से अगर देखेंगे तो भारत की जलवायु हमें उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु देखने को मिलती है। उसके बाद जब आप जाएंगे तो आप दूसरी जानकारी यहाँ पर डालें कि किस प्रकार से जब यहाँ पर आपने बता दिया कि उष्णकटिबंधीय जलवायु आपको देखने को मिलेगी, मानसूनी जलवायु दिखेगी, अर्थात सूर्य का तापन और वर्षा की मात्रा ये दोनों पर्याप्त मात्रा में मिल जाने से भारत पर हमें वनस्पति में भी विविधता देखने को मिलेगी। आप इस चीज़ को भी यहाँ पर लिख लीजिए कि वनस्पति में भी विविधता देखने को मिलेगी। अब आप इसे और स्पष्ट कर सकते हैं कि भारत पर सदाबहार वन से लेकर पर्णवाती वन तक हमको देखने को मिलते हैं और जब पहाड़ी क्षेत्र पर हम चले जाएंगे तो हमको शंकुधारी वनस्पति भी देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ की वनस्पति, यहाँ की क्लाइमेट के बारे में आपने बता दिया, क्लाइमेट से कनेक्ट होता है वनस्पति, वनस्पति के बारे में आपने बता दिया। फिर आप इसी जलवायु को कनेक्ट करते हुए एक और जानकारी दे सकते हैं, वह यह है कि भारत को अगर देखा जाए अर्थात उसका प्रायद्वीपी भाग, पेनिनसुलर प्लेटू वाला भाग देखा जाए तो तीन क्षेत्रों से हम ओशन से घिरा हुआ पाते हैं, जिस कारण से यहाँ पर ओशनिक इफेक्ट भी आता है अर्थात सागरीय हमें प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और सागरीय तब जैसा प्रभाव, अब प्रभाव किस प्रकार का, तो भारत में हमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव भी देखने को मिलेगा, हमें सागरीय और सागर और भूमि के तापमान में जो वितरण होता है, जो अंतर होता है, उसके कारण हमें यहाँ की जलवायु पर भी विसंगति देखने को मिलती है, खासकर तटीय क्षेत्रों पर। तटीय क्षेत्रों की अगर आप तापमान की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा ना तो गर्मी पड़ती है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, अर्थात एक मध्यम स्थिति बनी होती है जलवायु की अगर हम देखें तटीय क्षेत्रों पर। तो इस प्रकार से आपने क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डाल दीजिए। जब आप यहाँ पर देशांतरी स्थिति पर आप जब जाएंगे तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि भारत में एक हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है लेकिन जब आप पूर्व और पश्चिम दोनों ही कोणों पर देखेंगे तो लगभग 2 घंटे का यहाँ पर समय अंतराल देखने को मिलता है। तो इस आधार पर इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपको कंटेंट क्या डालना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है और कैसे शब्दों का चयन करना है, ये सारी जानकारी मिल रही होगी। डिस्कशन कम्युनिटी पर क्वेश्चन लिखकर डालना ना भूलें, बिल्कुल डालिए। अगर हम वहाँ पर रिव्यू नहीं डाल रहे हैं तो ये मत समझिए कि हम उसे देख नहीं रहे, हम देखते हैं, पेपर देखते हैं, हमें कुछ छात्रों के नाम भी वहाँ पर याद हो चुके होते हैं, जैसे साक्षी मित्तल के उत्तर बहुत अच्छे होते हैं, आकांक्षा पांडे के उत्तर बहुत अच्छे होते हैं, मधुलिका डिक्सेना के आंसर अच्छे होते हैं और पंखुड़ी के आंसर भी बहुत अच्छे होते हैं। तो हम सारे आंसर्स वहाँ पर देख रहे हैं, हम रिव्यू नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी समय की हमें कमी पड़ जाती है, क्योंकि सारी चीज़ों को लिखना, वहाँ पर बोलना,
थोड़ा सा जटिल हो जा रहा है, लेकिन हम आंसर्स देखते ज़रूर हैं। तो आप डिस्कशन कम्युनिटी पर बाकायदा अपने आंसर लिख कर डालते जाएं, हम उसको देखते जाएंगे और आपको ऐसे वीडियो के माध्यम से आपको अपना रिव्यू स्वयं मिलता जाएगा। आप वहाँ पर दूसरों की तुलना पर भी अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं। चलिए आगे और इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते जाएंगे। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।